मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। कुछ जगह होती है तो इन चीजों को ही खाना उनकी मजबूरी है। अब उनके यहाँ गेहूं है तो गेहूं को ही वो खाएंगे, उसके अलावा तो कोई कल्पना नहीं आएगी। और गेहूं को खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो ठंडी के कारण ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको एक कल्पना बताऊं, आप तो तुरंत समझ जाएंगे। आपने गेहूं का आटा गूंदना शुरू किया, कल्पना करिए अचानक से तापमान जीरो के नीचे चला गया तो आटा ही नहीं गूंद पाएंगे आप। आपकी जो उंगलियां है ना, एकदम जाम हो जाएंगे, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। और शून्य के नीचे 5 डिग्री गया, 10 डिग्री गया तो ये तो हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा हाथ का। और जो आटे में पानी मिलाया है वो तो कुछ और ही हो जाएगा, वो पानी ही बर्फ हो जाएगा। आटा को बर्फ में कैसे मिलाएंगे, तो रोटी नहीं बनेगी। इसलिए यूरोप में कोई रोटी बनाना नहीं जानता, रोटी नहीं बना पाते। गेहूं है, गेहूं का आटा है, लेकिन रोटी बनाना नहीं है उनके यहां, जानता भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रकृति मजबूर करती है उनको कि तुम बना ही नहीं सकते रोटी। रोटी तो उन्हीं देशों में बन सकती है जहां तापमान समशीतोष्ण होता है। उंगलियां भी काम करती रहे, हाथ की कलाइयां भी काम करती रहे, आटा और पानी का बैलेंस बना रहे तो रोटी बनने का काम शुरू हो सकता है। उनके यहां तो संभव नहीं है। तो वो करते क्या है, आटे को सड़ाते हैं, जिसको आप कहते हैं ना फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड करते हैं। और सड़े हुए आटे में से सिर्फ पाव रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती। सड़े हुए आटे में से डबल रोटी ही बन सकती है, रोटी नहीं बन सकती, चपाती नहीं बन सकती। तो वो बेचारे मजबूर है कि आटे को सड़ाएं, और सड़ने के लिए बड़े बड़े टैंक बनाएं, उन टैंकों का टेम्परेचर मेंटेन करें, बाहर की दुनिया से उन टैंकों को काट के रखें, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए भी थोड़ी गर्मी लगती है। तो वहां क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जहां गेहूं भेजा जाता है, और उन फैक्ट्रियों के अंदर आप कभी जाके देखें तो आटे को सड़ाया जाता है, टैंकों में भर के रखा जाता है, और वो आटा 2 दिन 5 दिन 10 दिन सड़ता रहता है। आंखों से, खुली आंखों से देखें तो उसमें कीड़े बदबदाते रहते हैं, छोटे छोटे कई बार, जो उनके इलाकों में बहुत होते हैं। फिर उन्हीं कीड़ों को आटे के साथ मैश कर दिया जाता है, फिर उसी से पाव रोटी बन जाती है। अब उस पाव रोटी को ही खाना है सवेरे दोपहर शाम चौथी, जब भी भूख लगे, क्योंकि और कुछ है नहीं खाने के। तो उन्होंने पाव रोटी के कई प्रिपरेशन बनाए हैं। पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ सलाद लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें कुछ मक्खन लगा दो, पाव रोटी को बीच में से काटो, इसमें गाजर मूली ककड़ी भर दो, पाव रोटी को बीच में से काटो तो इसमें कुछ सॉस भर दो। और उन्हीं को कुछ कुछ नाम है दे दिए, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन है, वो सब पाव रोटी ही। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये जो गेहूं का आटा वो सड़ा के पाव रोटी या डबल रोटी बना लेते हैं, अब ये वही खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं, क्योंकि जिनके वातावरण और तापमान का प्रकृति के हिसाब से मेल बैठता है ना, वही उसको खा पी के पचा भी सकते हैं। आपके तो बस की बात नहीं है।